क्लास थर्ड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर टेन ऑफ सोशल स्टडीज चैप्टर नेम और हैव यू एवर थॉट वाई पीपल वर्क आप सोचते हो कि लोग काम क्यों करते हैं दे वर्क टू अर्न मनी एंड मैनेज दियर लाइफ वो काम करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए एनी वर्क वाट एवर इट इज़ दैट हेल्प्स ए पर्सन अर्न हीज लाइवलीहुड इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन एक ऐसा काम जो कि लोगों को मदद करता है उसकी जीविका के लिए उसको पैसे कमाने के लिए उसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है ऑक्यूपेशन कहा जाता है देर आर मेनी लाइक टीचिंग एग्रीकल्चर बिजनेस ट्रेड एट्सट्रा तो कई प्रकार के व्यवसाय हैं तो एक तो टीचिंग दूसरा एग्रीकल्चर और बिजनेस ट्रेड ये सब कई प्रकार के ऑक्यूपेशन हैं व्यवसाय हैं इंडिया इज़ ए बिग कंट्री एंड मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज दैट्स रूरल एरियाज़ इंडिया एक बड़ा कंट्री है और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत है और यहाँ की काफ़ी पॉपुलेशन विलेज गाँव में रहती है पिछड़े इलाकों में रहती है इन दिस चैप्टर वी सेल लर्न अबाउट द मेन ऑक्युपेश पीपल लिविंग इन बॉथ विलेज एंड सिटीज़ तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोगों के व्यवसाय के बारे में जो गाँव में या शहरों में रहते हैं तो सबसे फर्स्ट जो व्यवसाय है वो है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्युपेशन ऑफ द रूरल पीपल एग्रीकल्चर या खेती गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय है इंडियन फार्मर्स ग्रो मैनी क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स भारतीय किसान जो हैं बहुत सारी फसलें और सब्ज़ियाँ उगाते हैं वीट राइस pulses, ज्वार बाजरा मेज sugarcane, कैन जूट कॉटन रबर एट्सट्रा some of them. ये सब फसलें इंडिया के किसान उगाते हैं इन ग्रोइंग दीज क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स सॉयल क्लाइमेट एंड इरिगेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ये सारी फसलें और सब्ज़ियाँ उगाने में सॉयल मिट्टी बहुत बड़ा योगदान देती है इसके लिए सिंचाई होनी चाहिए क्लाइमेट भी होना चाहिए जिससे ये सब फसलें हो सकती हैं खेती की जा सकती है फार्मर्स अर्न दियर लाइवलीहुड बाई ग्रोइंग दीज वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स इन देअ फील्ड फार्मर जो होते हैं अपनी जीविका इससे प्राप्त करते हैं और ये सब्जियां उगाते हैं ये फसलें उगाते हैं रियरिंग ऑफ एनिमल्स पशुपालन का काम तो नेक्स्ट हेडिंग है कैटल फार्मिंग कैटल लाइक काउज सीप बुफेलोज बुलक्स एंड गोट्स आर रियर्ड मीन्स गाय है भेड़ है भैंस हैं गोट बकरी है ये सब पाले जाते हैं ये सब पशु हैं ये सब पाले जाते हैं दे अस विद मिल्क एंड हेल्प अस इन एग्रीकल्चर इनसे हमें मिल्क प्राप्त होता है दूध प्राप्त होता है और ये एग्रीकल्चर खेती में भी मदद करते हैं सी पार रेयर्ड एस्पेसली फॉर देयर फर भेड़ तो पाली जाती है विशेषकर उनके फर के लिए द ओलन क्लॉथ्स दैट यू वीयर इन विंटर और मेड ऑफ फर जो जाड़े में आप कपड़े पहनते हो ठंडक में जो आप गर्म कपड़े पहनते हो ऊन के कपड़े जो आप पहनते हो इसी फर से बनते हैं रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेरी फार्मिंग पशु का जो पालन किया जाता है दूध के लिए इसको डेयरी फार्मिंग कहा जाता है वी गेट मिल्क फ्राम काउज बुफ हेलोज एंड गोट हमें जो मिल्क मिलता है ये काऊ से मिलता है बूफलों से मिलता है गोट से मिलता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर मेन फूड आइटम ऑफ रूरल एरियाज तो मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट जो होते हैं मेन फूड आइटम हैं गोट आल्सो प्रोवाइड्स अस विथ मीट गोट जो है इससे मीट मिलता है कैन यू नेम थ्री थिंग्स विच आर मेड ऑफ मिल्क अब नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग द फॉलोइंग पिक्चर इज़ द गिवेन ऑफ ए पोल्ट्री फार्म ये पिक्चर जो दी गई है ये पोल्ट्री फार्म है हैंस डक्स गीज प्रोवाइडर्स विद एग्स एंड मीट्स तो ये जो दिखाया गया है इसमें हैं मुर्गियां हैं बत्तखें हैं ये सब पाली गई हैं एग के लिए और मीट के लिए पीपल रियर दिस एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड लोग इनको पालते हैं इन एनिमल को और अपनी जीविका इससे चलाते हैं तो नेक्स्ट है फिशिंग टू कैच फिशेस इन मेन ऑक्युपेशन ऑफ पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरियाज जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं वो लोग ज़्यादातर समुद्र तटीय इलाकों में रहते हैं और उनका भी एक मुख्य व्यवसाय होता है यही दोज हु कैच फिशेस फॉर लाइवलीहुड आर कॉल्ड फिशरमैन जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए फिर उनको सेल करते हैं तो वो फिशरमैन कहे जाते हैं मछुआरे इसको आप कहते हो फिशेस आर आल्सो ब्रेड इन टैंक्स ponds, एंड rivers. मछलियाँ जो होती हैं ये टैंक में या पॉन्ड में या रिवर में अंडे देती हैं फिश फॉर्म और फिशरी इस प्लेस वे फिशेस आर ब्रेड Fishes आर ब्रिड फॉर सेल तो फिश जो है ये जो पाली जाती है और पालने के बाद ये अंडे देती हैं और इससे मछलियाँ बनती हैं ये अंडे भी बेचे जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट है वर्किंग इन फॉरेस्ट लम्बरिंग ए लार्ज एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट इंडिया का बहुत बड़ा एरिया जो है वो फॉरेस्ट है यानी जंगल है वन है मैनी पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड बहुत सारे लोग इन्हीं वनों या जंगलों पर डिपेंड करते हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए दे आर एंगेज इन कटिंग द ट्रीज फॉर टिम्बर एंड दे आल्सो हार्वेस्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ये जंगल में पेड़ों को काटते हैं और उनकी लकड़ियों को लेते हैं और इसको ये सब फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहे जाते हैं ट्रीज़ आर वेरी यूजफुल टू अस ट्रीज हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है दे आर यूज इन मेक फर्नीचर एंड मैच बॉक्स इनसे फर्नीचर बनता है मैस बॉक्स बनता है कार्डबोर्ड एंड पेपर कार्डबोर्ड और पेपर भी बनता है मेनी पीपल कलेक्ट गम एंड रबर फ्रॉम फॉरेस्ट बहुत सारे लोग इनसे गम और रबड़ भी इकट्ठा करते हैं दस फॉरेस्ट प्रोवाइड वर्क टू मिलियंस ऑफ पीपल इस प्रकार से जंगल जो होते हैं वन जो होते हैं इनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है फिर है माइनिंग माइनिंग डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग अर्थ में जमीन में जो खुदाई करके निकाला जाता है मिनरल्स उसको माइनिंग कहा जाता है यू नो कोल सिल्वर गोल्ड कॉपर आयरन और एट्सेट्रा फाउंड इन द अर्थ आपको पता है कि सिल्वर गोल्ड कॉपर ये सब अर्थ से खुदाई करके निकाले जाते हैं मेटल्स मेटल्स आर द बेस ऑफ और इंडस्ट्री धातुएँ जो होती हैं हमारी इंडस्ट्री की आधार हैं मार्बल एंड स्टोन आर आल्सो डग आउट फ्रॉम द अर्थ तो मार्बल यानी संगमरमर और पत्थर ये भी ज़मीन से खुद खुदाई करके निकाले जाते हैं मिलियंस ऑफ पीपल आर इंगेज इन दिस वर्क ऑफ डिगिंग मिनरल्स मेटल्स स्टोन्स फ्राम द अर्थ तो लाखों लोग इस काम में हैं और वो मिनरल्स की खुदाई करते हैं मेटल्स निकालते हैं स्टोन निकालते हैं अर्थ से पेट्रोलियम इज़ मिनरल फाउंड अंडरनीथ द अर्थ फ्राम विच वी गेट मैनी यूजफुल थिंग्स तो पेट्रोल भी जो है एक प्रकार का मिनरल है जो अर्थ से खुदाई करके जमीन में काफी नीचे पाया जाता है खुदाई करके निकाला जाता है ये भी पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस एंड इवन वैस्लिन आर द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम तो पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस और वैसलिन ये भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है पेट्रोल एंड डीजल आर यूजफुल uh, पेट्रोल एंड डीजल आर यूज फॉर फ्यूल टू ड्राइव ट्रेन बसेस कार्स एंड एरोप्लेन तो पेट्रोल और डीजल का यूज़ जो होता है ट्रेन को चलाने में बसेस के लिए और कार्स के लिए एरोप्लेन्स के लिए यूज होता है ये फ्यूल के तौर पर ईंधन के तौर पर वर्किंग इन फैक्ट्रीज़ द प्लेस वेयर थिंग्स आर मैनुफैक्चर रिकॉर्ड फैक्ट्री जहाँ पे ये सारे सामान बनाए जाते हैं उसको फैक्ट्री कही जाती है द थिंग्स वी ब्रिंग फ्रॉम मार्केट आर मेड इन फैक्ट्रीज़ जो हम सारे सामान लेके आते हैं मार्केट से ये सब फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज मेक स्मॉल एज वेल एज बिग थिंग्स यूजिंग रॉ मटीरियल्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट इन फॉम ड फ्राम द अर्थ फैक्ट्रीज में भी जो सामान बनता है बड़े या छोटे उनके लिए एक अच्छा माल लगता है जो कि ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है सूगर इज मेड फ्राम सूगर केन चीनी जो बनाई जाती है गन्ने से बनाई जाती है क्लॉथ इज मेड फ्राम कॉटन कपड़े जो बनाए जाते हैं कॉटन से बनाए जाते हैं दीज फैक्ट्रीज और कार्ड मिल्स और इन फैक्ट्रियों को मिल कहा जाता है लाक्स ऑफ पीपल वर्क इन दीज फैक्ट्रीज लाखों लोग इन फैक्ट्रियों में जुड़े होते हैं काम करते हैं देर आर टू टाइप ऑफ वर्कर इन दीज फैक्ट्रीज स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर इन फैक्ट्रियों में दो प्रकार के वर्कर होते हैं एक एक तो स्किल्ड वर्कर और दूसरे अनस्किल्ड वर्कर स्किल्ड वर्कर जो जिनको कि जिनको जो ट्रेंड वर्कर होते हैं उसको स्किल्ड कहा जाता है जो अन ट्रेंड होते हैं उनको स्कर्ल्ड कहा जाता है उसके बाद नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर तो सर्विस सेक्टर डू यू नो हाउ गुड्स रिच पीपल कैसे लोग सामानों तक आसानी से पहुंच पाते हैं सपोज शुगर इज रेडी इन द शुगर मिल सपोज करिए कि आप चीनी जो है शुगर मिल में तैयार है ये इट इज पैक्ड एंड लोडेड इन ट्रक्स और ट्रेन एंड सेंड टू द बिग स्टोर्स ये शुगर जो है ये पहले पैक की जाती है फिर ट्रकों में लोड किया जाता है या ट्रेन में लोड किया जाता है फिर इसको बड़े बड़े स्टोर में पहुँचाया जाता है फ्राम द बिग स्टोर्स इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शॉपकीपर्स एंड फ्राम द शॉपकीपर्स इट रीच डायरेक्टली टू कॉमन मैन तो ये फिर बिग स्टोर से बड़े स्टोर से ये जो है शॉपकीपर दुकानदार के पास चले जाते हैं और दुकानदार से फिर ये जो है कॉमन मैन के पास यानी सामान्य व्यक्ति के पास जो हम लोग हैं वो उप सामान्य उपभोक्ता के पास पहुंच जाता है और फिर यहाँ से उनके पास आसानी से पहुँचता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्ले एक की रोल इन ट्रांसपोर्टिंग मैनुफैक्चर गुड्स फ्राम वन प्लेस टू अनअदर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है ये बहुत अच्छा रोल अदा करती है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने में दस वर्किंग इन द सर्विस सेक्टर आल्सो कैन बी आक्यूपेशन इस प्रकार से ये सर्विस सेक्टर की एक बहुत बड़ा व्यवसाय है अदर सर्विस सेक्टर्स अदर सर्विसेस सच एज पोस्टल सर्विस टेलीकॉम सर्विस मेडिकल सर्विस एजुकेशन सर्विस ट्रैवल इंटरटेनमेंट पब्लिशिंग द न्यूज़पेपर एंड बुक्स आर सम मोर प्रोफेशंस तो कई और भी काम हैं यानी कि टेलीकॉम सर्विस में मेडिकल का काम शिक्षा का काम ट्रेवल का काम इंटरटेनमेंट का काम न्यूज़पेपर का काम बुक्स का काम ये भी कई सारे प्रोफेशन कई सारे व्यवसाय हैं पीपल वर्किंग एज टीचर्स डॉक्टर्स कारपेंटर्स बॉर्बर्स टेलर्स एट्सेट्रा ऑल प्रोवाइड सर्विसेज़। तो लोग जैसे डॉक्टर के तौर पे, टीचर के तौर पे, कारपेंटर यानी बढ़ई जिसको आप कहते हो बारबर नाई टेलर ये सब भी कई सारे सर्विसेज हैं सो दीज आर आल्सो आपको तो ये सब भी एक प्रकार के व्यवसाय हैं इस वैन यू गो टू एन ऑफिस फॉर एनी वर्क द पीपल देर आर आल्सो सर्विंग यू जब आप किसी ऑफिस में किसी काम के लिए जाते हो तो वहां भी लोग आपको सर्व करते हैं पुलिस एंड मिलिट्री पीपल आर आल्सो सर्विंग द नेशन पुलिस और मिलिट्री भी देश की सेवा करती है कैन यू नेम सम सर्विसेज कि आपको दूसरे कुछ और सर्विसेज़ के बारे में मालूम है तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर इसमें चैनल को डिस्क्राइब चैनल को जो इस चैनल में जो भी बातें इसमें हमने बताया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये चैप्टर जो है आपका टेन है चैप्टर टेन और इस ओके थैंक यू